आइए आइए, आप जाग रहे हैं अब तक? हाँ बेटा, माँ बाप की नींदें अक्सर औलाद के गलत फैसलों की नजर हो जाया करती हैं। क्या मतलब बाबा? बेटा, एक ऐसी तालीम है जिसने तुमसे तुम्हारा असल शऊर ही छीन लिया है। एक लड़की का असल मकसद उसका हुस्न नजर और जिंदगी बरतने का लाया अमल होता है। मुझे तुम्हारी सोच में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम एक मशरकी मुआशरे की पैदावार हो, एक अच्छे रवायती खानदान की नुमाइंदा हो, फिर ये किन ख्यालात ने शबकून मारा है तुम्हारी सोच पर के सब कुछ फरामोश कर बैठी हो तुम? बाप का मकाम, भाई का वकार, खानदान की इज्जत, सब कुछ। बाबा, मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरे बाप के मकाम, मेरे भाई के वकार या हमारी जिंदगी पे कोई हर्ज आया। आप इधर आइए, आप बैठे बैठे, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपकी बात रद्द तो नहीं करना चाहती, लेकिन माफ कीजिएगा, इस दफा आपकी बात कुछ ठीक नहीं है। तालीम ने मुझसे शऊर छीना नहीं है, बल्कि शऊर दिया है। मुझे सिखाया है कि मैं भी इस मुआशरे का एक बाइज्जत और बावकार फर्द हूं, और ये कि मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। किसी और को इतना हक नहीं है कि मुझे डिक्टेट करे कि किस उम्र में शादी कर लेनी है, किस उम्र से पहले पहले बच्चे पैदा कर लेने हैं और कब जिंदगी जीना छोड़ देना है, क्योंकि मरने का वक्त आ गया। मेरी तालीम ने मुझे प्लानिंग करना सिखाया है। मैं एक बाख्तियार शख्स हूँ जिंदगी का। मुझे ये सिखाया है कि मैं औरत पैदा हो तो गई हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अपने इर्द गिर्द के मर्दों के फैसलों पर यह कहूँ कि जी जैसे आपकी मर्जी करके जिंदगी गुजार दो। आखिर मेरे नजरियात में ऐसा गलत क्या है बाबा? बेटा, वक्त किसी के ताबे नहीं रहता। सूरज वक्त पर निकलता है और वक्त पर रवाना हो जाता है। जिंदगी के रास्ते प्लानिंग से हमवार नहीं होते बेटा, इन पर चल कर इन्हें आसान बनाया जाता है। तुम्हें क्या लगता है बेटा? बेटा, तुम जो सोचोगी, जो कहोगी, सब कुछ उसी तरह होता चला जाएगा। मैं तो खैर तुम्हारा बाप हूं, हारिस भाई है, लेकिन मुर्तजा इंतजार करता रहेगा कि कब तुम्हें रास्ते हमवार नजर आए और कब उसे इज्न सफर दो। आप ठीक कह रहे हैं बाबू कि जिंदगी अपने उतार चढ़ाव हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं लेती, लेकिन जहां तक मुर्तजा की बात है तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बाबा, आपकी बेटी को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे, तब आप देखिएगा, आप एक दिन मुझ पर फख्र करेंगे। उस दिन मेरे पास सब कुछ होगा बाबा, एक अच्छी जिंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल, बेहतरीन फ्यूचर और मुर्तजा का साथ भी। उस दिन देखिएगा, आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि नूरुलैन बेटा, तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक था, और ये कि आखिर बेटी किसकी है। प्लीज बाबा, मैं आज की औरत हूं,
जिसकी नजर सितारों पे है बाबा। और कोई और मेरे साथ खड़ा हो ना हो, मैं चाहती हूं कि जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे पापा मेरे साथ शाना बशाना खड़े हों। हर वो मोड़ जहां कामयाबियां मेरी मुंतजर हैं। प्लीज, मैं सिर्फ आपका साथ चाहती हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया।